कुछ मांगने का भी तरीका होता है कि भगवान से हम क्या मांगे, कुछ लेने का भी तरीका होता है कि भगवान से हम क्या लें, कुछ देने का भी तरीका होता है कि हम दे क्या, हमारी प्रधानता क्या हो। क्यों लिखा विष्णु पुराण में, क्यों लिखा शिव पुराण में, क्यों लिखा भागवत में कि तीन चीजें हमेशा सोच समझ कर दो, एक गाय, एक लक्ष्मी और एक बेटी। क्या क्या? गाय, लक्ष्मी और बेटी। 50 बार विचार करो उसके बाद दीजिए कि हमें किसको दे रहे हैं। 50 बार विचार करो देने से पहले। क्या क्या चीज फिर से बोल रहे हैं? गाय, लक्ष्मी और बेटी। गौ माता को देने से पहले विचार करना कि गाय हम किसी भी ऐसे ब्राह्मण को तो नहीं दे रहे जिसके यहां खुद के रहने की जगह नहीं है। अगर हम ऐसे ब्राह्मण को दे दें और ब्राह्मण उस गाय को ले ले सोने के सींग चांदी के खुर के चक्कर में, बाल्टी साड़ी के चक्कर में, जब तक दूध दी गाय ने तब तक ब्राह्मण ने रखी, फिर उसने बेच दी, बेच के तीसरे के पास, चौथे के पास, बिकते 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 वो कसाई के पास चली गई, और बाद में जब कसाई के घर में गाय को कटा तो गाय ने ब्राह्मण को बद्दुआ नहीं दी, जिसने संकल्प दिया था बद्दुआ उसको दी, बद्दुआ उसको दी। इसलिए गौ दान करने से पहले विचार करो, बेटी देने से पहले विचार करो कहीं ऐसे शराबी नशेले व्यक्ति को मत देना कि बेटी रोए तो तुमको रोना पड़े देने वाले। और लक्ष्मी देने से पहले विचार करो कि जिसके कटोरे में दे रहे हो ये कहीं मदिरा पान में, वेश्यावृत्ति में, जुए में, मांसाहार में लगा तो नहीं रहा। अगर गौ माता गलत जगह चली जाए तो देने वाले को रोना पड़ता है, बेटी गलत जगह चली जाए तो कन्या दान करने वाले को रोना पड़ता है, और अगर लक्ष्मी किसी गलत जगह चली जाए तो दान करने वाले को रोना पड़ता है। 50 बार विचार करिए देने से पहले किसको दे रहे हैं।